Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Last videos में हमने आपको exercise 6.6 के question number 5 तक बता दिए थे. आज चलते हैं next question number 6 की ओर, in which we have given that we have to prove that the sum of the squares of the diagonals of a parallelogram is equal to the sum of the square of its side. यानी हमें ये प्रूव करना है कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल का स्क्वायर का सम, यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, यानी इसके डायगोनल के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, उसकी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. ऐसा हमें प्रूव करना है. एज वी हैव ड्रॉन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी व्हिच डायगोनल एसी एंड बीडी, ए सी बी डायगोनल है, तब हमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. दिस इज द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ डायगोनल इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड. फॉर दिस वी विल कंस्ट्रक्ट समथिंग इज दैट ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी. बी एम और डी एन हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. अब आप पहले देखिए, हम अगर इसका बी एम और है परपेंडिकुलर है तो फिर ये एंगल इससे बड़ा होगा. तो ये जो एंगल आप देखिए, ये एंगल ए बी एम है, यहां तक ये राइट एंगल है. तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ. एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होता है. बाय दिस इट इज योर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, राइट. तो आप इसमें देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, सिंस एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आप इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में किया ना आपने, सेम वैसे ही इसको करना है. तो इसका क्या होगा, हमारा ए ओ बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल है. तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए इंटू ओ एम. इसको हम यही छोड़ देंगे. तो देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी, ओ ए हमारा क्या है बट ओ ए इक्वल टू हाफ ए सी एंड ओ बी इक्वल टू हाफ बी डी. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक्सेप्ट करते हैं तो OA हमारा क्या हो जाएगा, हाफ AC हो जाएगा. देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू का 1/2 AC का होल स्क्वायर प्लस 1/2 BD का होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू OA की जगह 1/2 AC इनटू OM. सो 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज वी गेट AB स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए सी इंटू ओ एम. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसके बाद देखेंगे नाउ ट्राइंगल बी ओ सी, सी ओ बी में आपका देखेंगे एंगल सी ओ बी लेस देन 90 डिग्री. ये 90 क्योंकि इधर आपका एंगल 90 से बड़ा है तो इधर 90 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों पूरा सम तो 180 होता है. सी ओ बी लेस देन 90 हो गया, लेस देन 90 हुआ तो फिर ये बी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ओ सी इंटू ओ एम. अब हमारा वो सेम उसी तरीके से
बट ओ बी स्क्वेयर, ओ बी इक्वल टू क्या है हमारा हाफ बी डी, एंड ओ सी इक्वल टू है हमारा हाफ ए सी। देयरफोर बी सी स्क्वेयर इक्वल टू हाफ बी डी का होल स्क्वेयर प्लस ओ सी की जगह लिख देंगे हम हाफ ए सी का होल स्क्वेयर माइनस टू इंटू हाफ ए सी इंटू ओ एम। हाफ से टू से टू कट गया, दैट इज वी गेट बी सी स्क्वेयर इक्वल टू वन अपॉइंट फोर बी डी स्क्वेयर प्लस वन अपॉइंट फोर ए सी स्क्वेयर माइनस ए सी इंटू ओ एम। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन्हें ऐड कर दीजिएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब आप ऐड करोगे तो माइनस ए सी इंटू टू एम और प्लस ए सी इंटू टू एम कट जाएगा। यहाँ पे वन पॉइंट फोर बी डी स्क्वेयर है और यहाँ भी वन पॉइंट फोर बी डी स्क्वेयर है, वन पॉइंट फोर ए सी स्क्वेयर है, यहाँ भी वन पॉइंट फोर ए सी स्क्वेयर है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू टू इंटू वन अपॉइंट फोर ए सी स्क्वेयर प्लस टू इंटू वन अपॉइंट फोर बी डी स्क्वेयर। ये हमारा टू से फोर कट जाएगा टूटा, टू से फोर कट गया टूटा, दैट इज ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या हुआ, इसमें आप वन अपॉइंट टू कॉमन ले सकते हैं, ऐसा ही छोड़ दीजिए, वन अपॉइंट टू ए सी स्क्वेयर प्लस वन अपॉइंट टू बी डी स्क्वेयर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, अभी हमने ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर लिया, अगर ऐसे लेंगे तो सी डी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर भी इतनी होंगे, यानी सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ ए सी स्क्वायर प्लस हाफ बी डी स्क्वायर। इसी जो इक्वेशन नंबर फोर, ऑन एडिंग इक्वेशन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी डी ए, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ ए सी स्क्वायर, और हाफ ए सी स्क्वायर कितना हो गया पूरा फुल ए सी, यानी हाफ ए सी करोगे तो टू इंटू हाफ ए सी स्क्वेयर। अब सब बढ़ गया क्या बचा ए सी स्क्वेयर, दैट्स वाई ए सी स्क्वेयर, और इधर हाफ बी डी जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हाफ यानी फुल बी डी स्क्वेयर, दैट वी हैड टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, यानी सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ इट्स डायगोनल इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ इट्स साइड, ये हमें प्रूव करना था। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर सेवन, इन वी सेइंग दैट इन फिगर 6.61 टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, प्रूव दैट ए पी सी सिमिलर डी पी बी एंड ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। जैसे आप देख रहे हैं फिगर में जो ए बी और सी डी जो कॉर्ड है जो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है, तब आपको प्रूव करना है ए पी सी सिमिलर डी पी बी और AP into BD equal to CP into DP, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब पहले देखेंगे एक ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल DPB, देखिए इसमें ये वाला एंगल इसके ऊपर हो जाएगा एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल A equal to एंगल D, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट, आर इक्वल एंड एंगल एपीसी
इक्वल टू एंगल डीपीबी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इवन हम सी इक्वल टू ए भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सी इक्वल टू बी भी हमारा हो जाएगा एंगल अंदर स्टेप जाएंगे, बट टू डबल ए से ही हमारा ट्राइंगल सिमिलर होगा तो जरूरत नहीं आगे देंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी सी सिमिलर ट्राइंगल डी पी बी बाई डबल ए सिमिलरिटी, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। आफ्टर दैट जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमारा क्या होगा, ए पी अपॉन डी पी इक्वल टू सी पी अपॉन बी पी, पी सी अपॉन बी पी बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यानी करस्पॉन्डिंग साइड उसकी प्रोपोर्शनल होती बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी गेट ए पी इंटू बी पी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। That we had to prove. After that, in question number 8, saying that in figure 6.62, two chords AB and CD of a circle intersect each other at the point P when produced. And जब produce की जाती है तब P पर intersect करती हैं. Outside the circle, prove that triangle PAC similar triangle PDB and PA into PB equal to PC into PD. इसके लिए हमने लिखा है. सेम वही ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कीजिए दैट एट पॉइंट पी व्हेन प्रोड्यूस्ड, लिखना चाहते हो लिख सकते हो लेकिन नीड नहीं, व्हेन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब आप देखिए टू प्रूव पी ए सी, पी ए सी ये वाला ट्राइंगल पी डी बी के सिमिलर होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है, पी ए सी सिमिलर पी डी बी। प्रूफ में आप देखेंगे इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी डी बी एंगल पी इक्वल टू एंगल पी कॉमन है, दूसरा ये वाला एंगल पी ए सी इक्वल टू पी डी बी होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल पी डी बी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, पी ए सी इक्वल टू पी डी बी हो गए, एक्सटीरियर एंगल देयरफॉर यानी पी ए सी जो एंगल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के समकक्ष होता है। सिंपली बात आप समझ सकते हैं, ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, राइट। इस तरीके से हमारा तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, पी ए सी सिमिलर ट्राइंगल पी डी बी वाई डबल ए, राइट। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट फॉर सेकेंड, देयरफॉर पी ए अपॉन पी डी इक्वल टू पी सी अपॉन पी बी बाई सी पी एस टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। That we had to prove.
DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 82 79 45 25 37. After that, here question number 9. And we are seeing that in figure 6.63, D is a point on side BC of triangle ABC such that BD upon CD equal to AB upon AC. Prove that AD is the bisector of angle BAC. इस आप देख रहे हैं ट्रायंगल एबीसी है, इसमें डी बीसी पर कोई एक पॉइंट है सच दैट, यानी इस प्रकार से बीडी अपॉन सीडी इक्वल टू एबी अपॉन एसी है, तब आपको प्रूव करना है कि एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी होने का मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, नंबर वन और नंबर टू। इसके लिए हमने क्या किया, एडी प्रोड्यूस्ड बीए, बीए को प्रोड्यूस किया टू डी, डी तक सच दैट एडी इक्वल टू एसी हो एंड जॉइंट सीडी, और सीडी को जॉइन कर दिया। आफ्टर दैट देखिए आप यहाँ पर, सिंस एबी इन ट्रायंगल एबीसी बीडी अपॉन सीडी इक्वल टू आपको दिया है एबी अपॉन एसी, समझे मैंने, बट ए सी इक्वल टू क्या है ए डी, कैसे कंस्ट्रक्शन से, देयरफॉर हमें मिला बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी। तो अब आप देखिएगा आपको मिलेगा बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, तो क्या हुआ जी AD पैरेलल CD हो गए, देयरफॉर AD पैरेलल CD बाय कन्वर्जन ऑफ BPD। जब रेशियो सेम होते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है, जब BD पैरेलल CD हो गया यानी AD पैरेलल CD हो गया तो फिर ये एंगल इसके ऊपर हुआ 3 के और 2 इक्वल टू हुआ 4 के, therefore angle 1 equal to angle 3, कैसे corresponding angles। one equal to 3 हो गया and 2 equal to 4, कैसे alternate interior angles, one equal to 2 3 और 2 equal to 4, ठीक है, बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, 2 इक्वल टू 4 इसलिए, सॉरी 3 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 4 इसलिए क्योंकि AC और AD दोनों इक्वल हैं, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, 3 equal to 4 हो गया तो हमें क्या मिला, 3 equal to 4 हुआ तो फिर therefore angle 1 equal to angle 2, और 1 equal to 2 हुआ therefore AD is the bisector of angle BAC that we have to prove, ये हमें प्रूव करना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वी हैव गिवन नजीमा इज फ्लाइंग फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स जहाँ पानी बह रहा होता है उसको हम स्ट्रीम कहते हैं, बहते हुए पानी, तो नजीमा एक बहते हुए पानी में फ्लाइंग फ्लाई फिशिंग यानी मछली पकड़ रही है, द टिप ऑफ द हर फिशिंग रॉड, उसकी फिशिंग रॉड की टिप है 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर से 1.8 मीटर अबव है सरफेस ऑफ द वाटर, एंड फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर, और स्ट्रिंग के लास्ट में वहाँ पर वाटर के ऊपर सरफेस पर रेस्ट कर रही है यानी रखी हुई है अभी, एंड 2.4 मीटर और 2.4 मीटर डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड, और वहाँ से 2.4 मीटर जहाँ पर रॉड की टिप आती है वहाँ से 2.4 मीटर डिस्टेंस पर है। Assuming that the hair string from the tip
ऑफ हर रॉड टू द फ्लाई, यानी टिप से लेकर के फ्लाई तक ये रॉड है वो क्या है, इज टॉट कम्प्लीटली टाइट है। हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट, उसके पास कितनी स्ट्रिंग है, यानी पानी से बाहर उसकी कितनी स्ट्रिंग है। इफ सी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ द 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से उसको पुल करती है, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड के बाद फ्लाई की उससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे आप देख लीजिए, मान लो नजीमा यहाँ पर बैठी है, यहाँ से फिशिंग रॉड है उसकी, और ये हमारी स्ट्रिंग है, यहाँ पर फ्लाई आपकी सरफेस पर पड़ी हुई है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो 3.6 मीटर है, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से टॉप से यहाँ से सरफेस तक की जो डिस्टेंस है 1.8 मीटर है, और यहाँ डायरेक्टली टिप यहाँ तक इससे जो डिस्टेंस है फ्लाई की वो 2.4 मीटर है। तो आपको बताना है ये कितनी होगी। आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, ट्राइंगल ABCA का आपका राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, लेट AE इज द फिशिंग रॉड, AE इज ए रॉड एंड AB इज स्ट्रिंग। Then in triangle ABC, angle ACB equal to 90 degree, AC equal to 1.8 meter, BC equal to 2.4 meter, since AB square equal to AC square plus BC square by PGT कर देंगे, therefore AB square equal to AC for हमारा कितना 1.8 का whole square plus BC for 2.4 का whole square, solve करेंगे 18 का square हमारा 324 होता, decimal 28 वाला आ जाएगा, plus इसमें 576 होता, decimal 28 वाला आ जाएगा, दोनों plus करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 9.00। ए बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 9, दैट इज 3 मीटर। जो ए बी डिस्टेंस है वो हमारी कितनी होगी, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 3 मीटर होगी। इसके बाद ये कह रहा है इफ सी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी पुल्स द स्ट्रिंग इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से वो उसको पुल करती है, तो आफ्टर 12 सेकेंड, तो पुलिंग स्ट्रिंग इन 12 सेकेंड, खींच लेती है, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग कितनी रह जाएगी, इसमें से खींच लेंगे तो ये डिस्टेंस जो रिमेनिंग रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, टोटल हमारी है 3 मीटर माइनस 0.6, दैट इज 2.4 मीटर रहेगी। ठीक है,
अब मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग हमारे 2.4 मीटर रह जाएगी, वो यहाँ से अब यहाँ तो रही नहीं, जब कम हो जाएगी तो पास आ जाएगी फिर, यहाँ से है ना, तो फिर हमारी मान लीजिए कहाँ पहुंच जाएगी, मान लीजिए ये लग के यहाँ पर आ जाती है, ये पॉइंट आपका एफ पॉइंट मान लीजिए एफ पर आ जाती है, राइट, इस पॉइंट पर आ जाती है, एफ पॉइंट पर आ जाती है। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ से सी एफ हमारे कितना होगा, तो ए एफ हमारी है कितनी 2.4 मीटर, ये डिस्टेंस है वो कितनी 2.4 मीटर होगी ए एफ, तो नाउ ट्रायंगल ए सी एफ, सी एफ निकाल लीजिए और यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सी एफ में सी डी को प्लस कर दीजिए यानी 1.2 मीटर को, तो उसकी टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द नजीमा उसकी जो फिलाई है उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। नाउ ट्रायंगल एसीडी, एसीडी में आप देखेंगे एसी स्क्वायर प्लस सीएफ, एसीडी नहीं एसीएफ सॉरी एसीएफ, एसी स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर इक्वल टू एएफ स्क्वायर बाय पीजीडी, एसी आपको दिया हुआ है 1.8, सी एफ आपको फाइंड करना है, ए सी आपका 2.4 है, सॉल्व करेंगे 3.124 प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू 5.76, ठीक है इसे ट्रांसफर कर देंगे, सी एफ स्क्वायर इक्वल टू हमारा होगा 5.76 माइनस 3.24, माइनस कर देंगे इसको, सी एफ स्क्वायर इक्वल टू 6 में 4 गया 2 बचा, 7 में 2 गया 5 बचा और यहाँ रह गया 5 में 3 गया 2, तो सी एफ इक्वल टू हमारा कितना होगा अंडर रूट 2.52। इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2.52 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ गया हमारा 1.587, ठीक है 587 मीटर। इसको और हमें निकालना क्या है डिस्टेंस यानी सी एफ हमारा आ गया 1.587, अगर आप चाहें तो इसको अप्रॉक्स इसको प्लस कर सकते हैं, इसमें कितना हो जाएगा हमारा ये सी एफ इक्वल टू होगा 1.59 मीटर। हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ द, उसने पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर इक्वल टू हर यानी एफ सी एफ प्लस सी डी, सी एफ हमारी 1.59 और सी डी हमारी डिस्टेंस हमारी कितनी 1.2 यहां से प्लस कर लेंगे इसको 2.79 विद इट योर एक्सेप्टनेस। आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन छात्रों ने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।